हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने लेकर आई हूँ सोया चाप की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो सोया चाप हमने यहाँ पर फ्रोजन वाले लिए थे, इन्हें हमने नॉर्मल कर लिया है, बाहर निकाल कर ठंडा कर लिया है। तो अब इनको हम बिल्कुल ठंडा ठंडा नहीं बनाएंगे, इसे थोड़ा नॉर्मल करके ही बनाएं। अब हम इसको थोड़ा कट कर लेते हैं क्योंकि हम इनको करने वाले हैं फ्राई। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और इनको हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो हम इनको पहले स्टिक से निकाल देते हैं। सभी स्टिक्स को हमको निकाल कर अलग कर देना है। अगर आप कहेंगे तो मैं सोया स्टिक की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आप कहें, तो मैं इसको भी आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। तो सभी स्टिक्स हमने जो है वो निकाल दी हैं, तो इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो बहुत छोटा छोटा कट ना करें, नहीं तो फिर ये जो ग्रेवी होगी ना हमारी वो ख़राब हो जाएगी और पूरे मैसी से हो जाएंगे। तो इनको बिल्कुल इनको मैसी नहीं करना है। तो हम इस तरह से इनको देखें, आप चाहें तो 1:3 या 1:2 कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1:3 कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट्स भी पसंद नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से सभी को हम कट कर लेंगे। अगर जो बड़े हैं तो आप उसके चार भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वल करके लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स ना रहें। तो बेसिकली इन्हें हमें फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे क्योंकि तेल जैसे ही हमारा गर्म होगा, बहुत हाई नहीं रखना हमको, बहुत कम नहीं रखना, नहीं तो अगर हम कम ऑयल रखेंगे गर्म तो ये हमारे सोख लेंगे ऑयल, और बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो तेल हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है। तो तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो सोया चाप को हम ऑयल में डालेंगे क्योंकि अब ये गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, बहुत कम गर्म नहीं है, मीडियम फ्लेम पर है। तो अब हम सभी को डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हमारे ऑयल में। तो इसी तरह के टेम्परेचर के ऑयल में हमें फ्राई करना है जिससे कि ये अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए, क्रिस्प हो जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो ये गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है। तो थोड़ा सा हमें इन्हें अभी और कुक करना है जब तक कि थोड़ी सी और गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इनमें कलर आ चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें फ्राई करना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो बस थोड़ा सा और इसमें अभी हम कलर आ जाने देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर और इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ग्रेवी। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इसे हम अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो सभी को हम बाहर निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर वगैरह में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे वैसे भी सब्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज, यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए हैं जिनको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके जो हम इस प्याज का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद उसका हम पेस्ट बनाएंगे और फिर हम इसे ग्रेवी में जब इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ही लजीज बनेगा। तो प्याज को हम अच्छी तरह से एकदम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। कंटिन्यू इसे चलाते रहें क्योंकि इसमें बर्न बिल्कुल भी नहीं करना है, गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्याज है वो बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर क्योंकि काफ़ी गोल्डन हो गया है और इसे हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर और ठंडा करने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। तो सभी प्याज को मैंने निकाल दिया है और अब हम इसको पीस लेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। तो फटाफट से मैं इसको करती हूँ ठंडा और आपसे मिलती हूँ इसको पीसने के बाद। साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी पीस कर इस्तेमाल करूँगी। तो उन सभी चीज़ों को मैं तैयार करके लाती हूँ और आपके सामने फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो अब हम सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई और अब हमारा जो ऑयल है उसको हमने कम कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं,
हम यहाँ पर ले लिए हैं तेज पत्ते, 2 से 3 तेज पत्ते हमने ले लिए हैं। दालचीनी डाल देंगे, हमने इसे टुकड़े करके लिए हैं, तो एक बड़ी सी स्टिक को हमने टुकड़े कर दिए हैं 3 टुकड़े में। और 2 हमने यहाँ पर इलायची ली है और इसे हमने बीच से कट कर लिया है, जिससे कि फ्राई करते समय ऊपर को ना आ जाए, तो इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और जो अभी हमने प्याज का पेस्ट बनाया है उसे हम अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें टमाटर का पेस्ट फ्राई करेंगे, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद हम, क्योंकि हमारा जो प्याज का पेस्ट है वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो पहले हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर, अच्छे लाल लाल, इनको हमने कट कर लिया है और फिर हमने नॉर्मली मिक्सी में पीस लिया है। तो अब हम इसको डाल देते हैं इसमें। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ में ही हम मसाले डाल देंगे, जिससे कि मसाले भी हमारे साथ ही साथ कुक हो जाएं। और हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले तो मैं नमक डालूंगी, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से कुक हो जाएं। तो नमक अभी हम कम ही डाल रहे हैं, आप बाद में भी एडजस्ट करके डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ले रही हूँ, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। और इसमें अब हम डाल देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून के लगभग हमने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और जब तक कि सारे मसाले और टमाटर कुक ना हो जाए तब तक हम इन्हें कुक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मसाले और टमाटर हमारे कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम मसालों ने तेल को छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे प्याज का पेस्ट, जो अभी हमने बना कर रखा था, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज हमारी ऑलरेडी पहले से ही पकी हुई है, इसलिए हमको इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, ऑयल अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ दही का। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही का डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें या फिर लो ही रहने दें, नहीं तो दही हमारा फट भी सकता है। तो आप चाहें तो दही की जगह पर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दही डालने से इसमें एक टेंगीनेस आएगी। तो दही को भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, और जब तक कि हमारा जो दही है वो कुक ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि दही की कंसिस्टेंसी होती है फटने वाली। तो अगर हम इसे साथ साथ चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो अच्छी तरह से अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुकी है, दही भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी इसकी कंसिस्टेंसी को फिट करने के लिए। लेकिन पानी डालने से पहले हम इसमें चाप डाल देंगे, जिससे कि जो भी हमारे चाप के अंदर मसाला है वो अच्छी तरह से चला जाए। अब हम इसमें हमारे चाप को भी डाल देते हैं और इन्हें हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि चाप के अंदर बहुत अच्छी तरह से मसाले अब्सॉर्ब हो जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है क्योंकि इसकी जो सोया चाप है और जो सोयाबीन होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा करें, जिससे कि अच्छी तरह से पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। अगर आपको थोड़ी ड्राई वाली पसंद है तो कम पानी डालें, और यदि थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट करके डाल सकते हैं। तो इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो 1 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और इनमें मसाले बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप के पानी। तो अब हम इसमें डाल पानी। तो पानी आप चाहे तो गर्म डाल दें, चाहे तो आप नॉर्मल पानी डाल दें, मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी ले रही हूँ। तो अब हम इसमें ग्रेवी में पानी डाल देंगे। तो अब 1/2 कप पानी हम इसमें और डाल देते हैं, और इसे हम कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि ग्रेवी भी हमारी कुक्ड है और सोया चाप भी हमारी कुक्ड है। बस इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए और मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। नमक हम इसमें अभी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें नमक कम इस्तेमाल किया था। अब नमक को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे,
और इसे अब हम थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं, कुक होने देते हैं। तो इसे अब हम कवर कर देते हैं लिड से। तो अब हम इसे थोड़ा सा कवर कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी सब्जी बनकर तैयार हो रही है। अच्छी तरह से अब ये देखिए सब्जियां, मसाले, ग्रेवी सब कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें फाइनल टच देंगे। तो फाइनल टच हमें कैसे देना है, तो यहाँ पर मैंने लिया है शुगर 2 टीस्पून के लगभग। इससे जो टेस्ट है वो इन्हेंस होकर आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, जिससे कि हमारे सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होकर आएगा। तो इसमें हम 1 टीस्पून के लगभग डाल देते हैं हमारी कसूरी मेथी। तो ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार हुई है हमारी बहुत ही टेस्टी सोया चाप की रेसिपी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप किस तरह से बनाते हैं आप मुझसे ये भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे उस तरह का भी ट्राई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हमने देखिए इसमें शुगर ऐड की है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है। तो 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से इसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन अब हम इसका लेड नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें बॉईल आ रहा है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सोया चाप की सब्जी। आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।